आज हमने पढ़ना है क्या? स्काइफोजोआ, स्काइफोजोआ हैज बीन अराइज फ्रॉम स्काइफोस। स्काइफोस ग्रीक वर्ड था जिसका मतलब है ड्रिंकिंग कप। इसमें स्काइफोजोआ में जितने भी एनिमल्स हैं दे लुक लाइक इन्वर्टेड कप या इन्वर्टेड बाउल। सारे जो हैं ये ट्रू जेलीफिश होते हैं क्योंकि इनकी जो लाइफ साइकिल है उसमें ज्यादातर जो डोमिनेंट स्टेज है वो मेड्यूसा फॉर्म होती है। इसकी खास बात है मतलब ये जैसे हमने पीछे पढ़ा था हाइड्रोजोन्स में गोनियोनीमस वाज बेसिकली जेलीफिश टाइप। उसके स्ट्रक्चर से इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे इस वेलम नहीं होता है, ये लैक ऑफ वेलम। वेलम वाज लाइक आउटर फ्रिल लाइक स्ट्रक्चर। फिर इसमें जो अमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जबकि हाइड्रोजोन्स में अमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट नहीं थे। और उनके जो नीरोसाइट्स थे देवर एपिडर्मस इन ओरिजिन जबकि ये गैस्ट्रोडर्मस में प्रेजेंट होते हैं और एपिडर्मस में भी प्रेजेंट होते हैं। और इसी तरह से जो गैमेट्स होते हैं दे ऑल्सो अराइज फ्रॉम द गैस्ट्रोडर्म जबकि दूसरे ऑर्गेनिजम्स उनके अंदर देवर अराइजिंग फ्रॉम द एपिडर्मस। तो ये जो है बेसिकली इनकी तीन प्रॉपर्टीज हैं विच आर एकदम डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजोन मेड्यूसा। एक तो ये कि ये वेलम नहीं होता है इनके पास। नंबर दो मेसोग्लिया में जो है मेसेनकाइम सेल्स होते हैं। नंबर तीन नीडोसाइट जो है वो गैस्ट्रोडर्म और एपिडर्मिस में होते हैं। इसी तरह से जो गैमीट्स हैं वो भी एपिडर्मिस से अराइज करते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद हमें इनकी और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देखनी है और उसके बाद उसी तरह से हम इसमें जो है वो एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। इसमें इस तरह से है कि जो ज्यादातर स्काइफ होते हैं दे आर हार्मलेस टू ह्यूमंस। कुछ जो है दे कैन डिलीवर अनप्लेजेंट और डेंजरस थिंग्स। मतलब ज्यादातर जो है वो हार्मलेस हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कुछ जो है वो डेंजरस हो सकते हैं और वो पॉइजनस स्टिंग्स और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जिस तरह से एक एग्जाम्पल दी हुई है मिस्टीगियस क्विनकसेरा। दिस इज अ जेलीफिश व्हिच इज आल्सो कॉल्ड स्टिंगिंग नेटल। ये अटलांटिक ओशंस में होती है और लेट समर में इसकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो जाती है और ये स्विमर्स जो होते हैं उनके लिए काफी हैजर्डस या नुकसानदेह हो जाती है। तरह से इसमें हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं कि हेलमेट शेप जेलीफिश होती है जिसके लॉन्ग टेंटिकल्स होते हैं एंड फ्लैशी लोब्स होते हैं, उससे दूर रहना चाहिए स्विमर्स को। ये देखें आप इसकी सरफेस के ऊपर कुछ इस तरह के पॉड्स हैं जिस तरह से वो मशरूम्स उसकी तरह की इसकी थोड़ी सी शक्ल है और ये इसके लोब्स जो है वो काफी फ्लैशी से हैं और लंबे लंबे टेंटिकल्स हैं। तो इससे बचना चाहिए स्विमर्स को, तो ये जो है वो डेंजरस हो सकती है। चले हमारी जो फर्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज ऑरेलिया। इसकी हम थोड़े से डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये कॉमन स्काइफोजोन है, पैसिफिक अटलांटिक कोस्टल वाटर्स दोनों जगह पे होती है। इसका जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो मार्जिन है इसका उसमें फ्रिंज ऑफ शॉर्ट टेंटिकल्स होते हैं एंड इट्स डिवाइडेड बाय नोचेस। ठीक है, अब नोट करते जाएं, देन मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। फ्रिंज लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, टेंटिकल्स हैं, उस पर नोचेस होती हैं। माउथ जो है इसका इट लीड्स टू स्टमक और इसमें फोर गैस्ट्रिक पाउचेस होती हैं और उस पर नीडोसाइट लेडन गैस्ट्रिक फिलामेंट्स होते हैं। फिर इसमें रेडियल कैनाल्स भी होती हैं जो आपने पीछे पढ़ी थी। ये जो इनका कैनाल सिस्टम है काफी ब्रांच्ड होता है, एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड होता है और गैस्ट्रोडर्मल सेल्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली सर्कुलेट करते रहते हैं सी वाटर एंड पार्शली डाइजेस्टेड फूड को। यहाँ पर एक तो ये इसकी आप बाहर से शक्ल देख सकें इस तरह की होती है। यहाँ पर आप देखें लाइक आपको इसकी तरह के बड़े बड़े टेंटिकल्स नहीं नजर आ रहे बल्कि आपको बहुत छोटे छोटे जो है वो टेंटिकल्स नजर आ रहे हैं जो कि ये बिल्कुल फ्रिंज पे प्रेजेंट है। इसकी ये सराउंडिंग है और यहाँ पे प्रेजेंट है। और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि जो इसकी फ्रिंज है दैट इज नॉट लाइक कॉन्टिन्यूस नहीं है, बहुत स्मूथ नहीं है, बल्कि इस तरह से उसके थोड़े थोड़े वक्त के बाद उसके ऊपर जो डिप्रेशन है या वो नोचेज हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम नोच बोलेंगे और इसको हम देखते हैं कि ये क्यों प्रेजेंट होती है और इसका फायदा क्या है। इसी तरह से मैं हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये इसको हम अगर इन्वर्ट करके देखें तो इस तरह से ये प्रेजेंट है। दिस इज द माउथ, ये हैंग कर रहा है। माउथ के गिर्द ये चार रेडियल कैनाल्स हैं जिस तरह से आपने उसमें देखी थी गोनियोनीमस पे। लेकिन इसके साथ ही ये जो है कुछ पाउचेस भी प्रेजेंट होती हैं दैट आर कॉल्ड गैस्ट्रिक पाउचेस और गैस्ट्रिक पाउचेस के साथ ही जो है वो इनके गनेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनकी ओरल लोब है, क्या ओरल टेंटिकल्स हैं, ये रेडियल कैनाल्स ही थी। इसमें से फर्दर जो है वो काफी इसकी एक्सटेंसिव ब्रांचिंग होती है। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरी जेलीफिश के अंदर ये सारी जो आपको लाइट ब्लू कलर में नजर आ रही हैं तो ये कहलाती है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली ब्रांचेस, इस तरह से ये काफी सारी ब्रांचेस प्रेजेंट है इसके अंदर। ये इसकी रेडियल कैनाल्स हैं। फिर ये जो सराउंडिंग प्रेजेंट होती है वो रिंग कैनाल कहलाती है। फिर मार्जिन पे बिल्कुल टेंटिकल्स हैं इनके। ओरल जो इसका सेंट्रल है उसके साथ से भी ये कैनाल्स निकल रही हैं, ये ओरल लोब्स के
लेंगे इनको. दीज आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट अराउंड द माउथ. इसको हम पाउच कहते हैं और इसके अंदर फिलामेंट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक फिलामेंट्स, और फिर उनके साथ ही ग्रेनेड्स वगैरह अटैच होते हैं. अच्छा, अब इसका रह गया मार्जिन. मार्जिन में आप देखें जो नोचेस हैं, इन नोचेस पे जो भी स्ट्रक्चर है उसको हम रोपेलियम कहते हैं. आप लोग ये याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड रोपेलियम. रोपेलियम को अगर आप लोग थोड़ा एनलार्ज करके देखो तो इसमें क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, उसमें आपके पास ये चीजें हैं. ये देखिए इस तरह से, ये तो मार्जिन आपको शो हो रहा था, लेकिन इसके अंदर जो है जब हम इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो इट कंटेन्स लाइक लोब, और लोब्स के अंदर जो है वो इस तरह से आप देखिए कि इन्वर्टेड यू शेप एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और उसके अंदर ये गॉबलेट सा या ग्लोब की तरह का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. तो ये जो इसमें लोब्स प्रेजेंट हैं दो, इनको हम लैपेट कहते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, या जो दीज आर कॉल्ड रुपेलियल लैपेट्स दीज वंस. और इसके अंदर ये जो इन्वर्टेड यू शेप है दैट इज कॉल्ड सेंसरी लैपेट. सेंसरी लैपेट से जो है वो एक हैंग की भी चीज होती है, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव हुड. ये वाला जो स्ट्रक्चर है ग्लास की तरह का, इन्वर्टेड ग्लास जैसे आप कह लो, दिस स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव हुड. इसके अंदर जो है वो ये आपको एक रॉड सी नजर आ रही होगी. रॉड के ऊपर ये सेंसरी सेल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड ओसिलाई. ओसिलाई या ओसिलस, दीज आर बेसिकली आप कह लो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो कि क्लस्टर बना के प्रेजेंट होते हैं, और उसको हम ओसिलाई कहते हैं. इसी तरह उसकी बिल्कुल एंड पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिस स्टेटोसिस्ट कहते हैं. ये भी पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट या कोई और जो है वो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको स्टेटोलिथ कहते हैं. तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ पर इसमें काफी सारी नोचेज हैं, और हर एक जो नोच है उसके अंदर ये आपके पास रुपेलियम प्रेजेंट है, और रुपेलियम का जो क्रॉस सेक्शन करके देखते हो तो वो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाता है. दिस इज अ लीफ लाइक आउटर स्ट्रक्चर, दिस इज इन्वर्टेड यू शेप, सेंसरी लैपेट, और इस तरह से ये जो है इसमें ओसिला, स्टेटोसिस्ट और प्रोटेक्टिव वुड वगैरह प्रेजेंट होते हैं. सो इसको अब हम थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं, हमें इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि ये किस तरह का होता है. इसमें प्लैंकटन फीडर है. प्लैंकटन फीडर का मतलब जो तैरने वाले पौधे होते हैं छोटे छोटे या एनिमल्स होते हैं, ये उनको फीड करते हैं, और माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को अपनी म्यूकस वगैरह में ट्रैक कर लेते हैं. सीलिया कैरी दिस फूड टू द मार्जिन ऑफ द मेड्यूसा, और इसके बाद जो फ्लैशी लोब्स उनकी हैंग कर रही है जिसको हम ओरल लोब्स कह रहे थे फ्रॉम द मेन्यूब्रम, वो फूड को स्क्रैप करती है मार्जिन से और उसको माउथ में ले जाती है, और वहां पर उसकी डाइजेशन हो जाती है. इसी तरह से जो रिसेप्टर्स हैं जिसको हमने बोला था कि वो एपिडर्मिस पे प्रेजेंट है, उसमें 8 स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं. रुपेलिया जिसको भी आपने देखा था हर एक नोच में प्रेजेंट है मार्जिन पे. रुपेलियम जो है उसमें सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, रुपेलिया लैपेट्स हैं जिनको सराउंड किया होता है, और दो सेंसरी पैड्स हैं जिस आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी. उसके अलावा इसमें स्टेटोसिस्ट होता है और फोटोरिसेप्टर्स होते हैं, और सलाई मैंने आप बता दी. और ये ज्यादातर जो है नेगेटिवली फोटोटेक्टिक होते हैं, मतलब जहां पर लाइट होती है उससे अवे जाने की कोशिश करते हैं, तो डार्क में रहना ज्यादा पसंद करते हैं. और ट्वाइलाइट चांद की रोशनी होती है उसमें ये सरफेस पर आते हैं, और जबकि ब्राइट डे लाइट होती है तो उसमें ये नीचे चले जाते हैं. उसके अलावा ये डाइशियस होते हैं, इनके जो दोनों मेल एंड फीमेल सेपरेट ऑर्गेनिजम्स में होते हैं. एक ग्रेनेड्स होते हैं गैस्ट्रिक पाउचेस के साथ, और गैमेट्स उसी में रिलीज होते हैं. और फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल की गैस्ट्रिक पाउच में होती है, और वहीं पे जो है वो इनके ज़िगोट वगैरह बनते हैं, माउथ से रिलीज हो जाएंगे, और फिर आउटसाइड द वाटर या आउटसाइड द फीमेल बॉडी इनकी होगी डेवलपमेंट होगी, ठीक है, और प्लैरोनल लार्वा जो है वो बन जाता है. ये ना लाइफ साइकिल भी दिखाई हुई है आपको इसकी. अरेलिया की डाइशियस होते हैं, और इनका जो मेड्यूसा है इट इज ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर. ये ज्यादा लाइफ साइकिल जो है वो ये गुजारता है. फिर जो फर्टिलाइजेशन होती है, प्लैरोनल लार्वा बनता है, तो ये जब कहीं पे फिक्स हो जाएगा किसी सब्सट्रेट के साथ अटैच हो जाएगा, इसके टेंटिकल्स वगैरह बन जाएंगे, और ये यहाँ से एक स्ट्रक्चर बनाएगा दैट इज कॉल्ड स्काइफिस्टोमा. अब यही जो स्काइफिस्टोमा है ये मार्जिन की तरफ या ये अपर सर्फिस जो है वहां पर ये बडिंग स्टार्ट कर देगा. ये आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे इसके ऊपर स्ट्रक्चर्स हैं. तो ये जब इसे सेपरेट हो जाते हैं एफिरा कहते हैं, यहाँ से ये डिटैच होगा एफिरा की फॉर्म में, और इस तरह से ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो डेवलपमेंट जब इसकी प्रॉपर हो जाएगी तो दोबारा से मेड्यूसा बन जाएगा. तो इसकी लाइफ साइकिल में आपने ये दो चीजें याद रखनी है कि ये प्लैनोला लार्वा बनता है, स्काइफिस्टोमा बनता है, और उसके अलावा ये एफिरा बनते हैं, और यहाँ से बर्ड होते हैं, और एफिरा के थ्रू जो है ये फिर फाइनल इसकी एडल्ट फॉर्म बन जाती है. ये भी आपको इसकी इसी चीज के बारे में बताया हुआ है, लाइफ हिस्ट्री के बारे में. ये साइकिल भी आप ड्रॉ करके प्रैक्टिस कीजिएगा. फिर उसके बाद जो क्लास है दैट इज कॉल्ड क्यूबोजोआ. क्यूबोजोआ मींस के क्यूब लाइक इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं. वो छोटी सी क्लास है, और इसको पहले स्काइफोजोआ में ही रखा था, लेकिन बाद में इसकी एक
डिफरेंट क्लास बना दी। इसमें क्यूब शेप का स्ट्रक्चर है और इसके बहुत लॉन्ग लॉन्ग टेंटिकल्स हैं जो हैंग कर रहे हैं इसके मार्जिन से। इसके पॉलिप्स है बहुत स्मॉल होते हैं, ज्यादातर ये भी मेड्यूसा फॉर्म में होते हैं, लेकिन शक्ल डिफरेंट है इनकी शेप, इसलिए इसको क्यूबोजुआ में रख दिया है। और इनके पास जो है बहुत डेंजरस किस्म के नेमेटोसिस्ट होते हैं, या आप लंबे लंबे इसके टेंटिकल्स देख सकते हैं, काफी नुकसान पहुंचाते हैं और ऑस्ट्रेलियन वाटर्स में उनमें काफी ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल दी हुई, आप इसको सी बेस भी कहा जाता है या काइरोनिक्स फ्लैक्ट्री, और ये बेल शेप ही होती है।